सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि यार तुम सारे के सारे बच्चों का जे मेन्स का एग्जाम चल रहा है और तुम्हें पता ही है कि जिन भी बच्चों का जो है वो 22 जुलाई को एग्जाम था, उन सभी को इंतजार है कि भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वीडियो बनाइए, कितने मार्क्स हमारा कितना परसेंटाइल बनेगा। तो इसीलिए आगे हमने सोचा है कि चलो बनाते हैं। वैसे हमारा प्लान था कि फाइनली जब तुम्हारा पूरा एग्जाम हो जाएगा जे मेन्स का, जितने भी दिन का एग्जाम होगा तुम्हारा, जैसे कि 20 जुलाई, 22nd, 25th और 27th, फिर लास्ट में बनाएंगे। लेकिन यार काफी यार डिमांड होने की वजह से हमने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो फिर इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे तुम्हारा कितना परसेंटेज बनेगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये हो जाए कि भाई मैंने इतने मार्क्स का एग्जाम किया है, मेरे इतने मार्क्स आएगा तो इतने परसेंटेज बनेगा। और जैसा कि यार देखो, एक चीज और ध्यान में रखना है, वो ये है कि 22nd of July को जो है हमारा दो शिफ्ट नहीं हुआ था, सिर्फ एक शिफ्ट हुआ था। मॉर्निंग में कोई सा एग्जाम नहीं था, इवनिंग में एग्जाम था। और ये बात जो है बच्चों को बहुत लेट पता चला था, क्योंकि उस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि मॉर्निंग में एग्जाम नहीं है। तो ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट के इसमें बात कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, तो मैं सारी चीज पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्क्स की बात किया जाए, तो यार देखो, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहूंगा, वो ये है कि 22nd of July का जो एग्जाम था वो कैसा था। सो सबसे पहले 22nd of July को जो एग्जाम था उसमें केमिस्ट्री जो था वो काफी इजी आया था। बच्चों ने बताया था कि केमिस्ट्री जो था 20 जुलाई के दोनों शिफ्ट के मुकाबले भी अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा ईजी था। फिजिक्स जो कि हमारा रह रहा था जैसा था वैसे ही आया था उसमें भी, यानी कि बेसिकली इजी टू मॉडरेट लेवल का था। काफी क्वेश्चन थे जो कि फॉर्मुला बेस्ड था, लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे भी था जिसमें डिफिकल्टी बच्चों को देखने में मिल रही थी। मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स जो है यार ऐसा जैसे कि आ रहा है, मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे को डिफिकल्ट लगा है, मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल में काफी क्वेश्चन हो भी रहे थे, काफी मतलब दिक्कत भी आई थी, यानी बेसिकली उसको हमने रखा था मॉडरेट से लेकर डिफिकल्टी लेवल में। सो बेसिकली लेकिन केमिस्ट्री जो है वो 20 जुलाई के मुकाबले इजी आया था। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है ये मार्क्स का परसेंटाइल। अगर तुम्हें इनमें कुछ भी गड़बड़ लगता है तो तुम कमेंट बॉक्स में जाके अपना बता सकते हो। सो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यार कि देखो, जिन भी बच्चे के 195 से लेकर के 200 मार्क्स के बीच में थे, 195 से लेकर 200 के बीच में, उनके परसेंटाइल जो है वो 99 के अप्रॉक्स बनेगा, 99.21 के आसपास बनेगा, 99 समझ सकते हो, ठीक है। फिर जाके उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस भी बच्चे का मार्क्स जो है वो 175 से लेकर के 180 के बीच बन रहा था, उसके परसेंटाइल जो है 98 से वह बनेगा, यानी कि 98 हो गया। मतलब इसके लिए मार्क्स के हिसाब से 175 है किसी का तो 98 हो गया। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटाइल भी बढ़ेगा, यानी कि 98.2, 98.3, 98.4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। 175 से लेकर 180 मार्क्स के बीच में 98 परसेंटाइल बनेगा। 155 से लेकर 160 के बीच में जिसके भी मार्क्स है उसके परसेंटाइल 97 बनेगा, 97 के अप्रॉक्स बनेगा। और उसके बाद जिस भी बच्चे के मार्क्स जो है 145 से लेकर 150 के आसपास, यानी कि 150 मार्क्स के आसपास है, उनके परसेंटाइल जो है वो 96 के अप्रॉक्स बनेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस भी बच्चे के मार्क्स है वो 135 से लेकर 140 के बीच में लाइक कर रहा है तो उनके परसेंटेज 95 बनेगा। एंड उसके बाद अगर 125 से लेकर 130 के बीच में जिन बच्चे का मार्क्स लाइक कर रहा है उनके 94 के अप्रॉक्स बनेगा। 120 मार्क्स से लेकर 125 मार्क्स के अप्रॉक्स लाइक कर रहा है जिस बच्चे का मार्क्स, उसके 93 के आसपास परसेंटेज देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर जिन भी बच्चे का 115 प्लस मार्क्स देखने को मिलेगा उनके जो है वो 92 परसेंटेज बनेगा। 108 प्लस देखने को मिलेगा उनके 90 परसेंटेज बनेगा। 98 से अब जितने के भी मार्क्स हो गए उनके जो है वो 88 परसेंटेज बनेगा। अगर 88 से लेकर 98 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स है तो तुम्हारा जो होगा 85 बनेगा। और 80 से अबव, यानी कि 80 से लेके 85 के बीच में अगर मार्क्स मार्क्स है तो फिर 80 परसेंटाइल तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मैं सारी बातें समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन सकता है। और जितने भी तुमने अपने मार्क्स तुमने कैलकुलेट कर लिया होगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे इतने मेरे मार्क्स बनेगा, और जो तुमने कैलकुलेट किया उसी के जो होगा वो 10-15 मार्क्स से ऊपर नीचे बनेगा, है ना, पता ही है तुम्हें। सो इसके हिसाब से तुम्हें परसेंटाइल भी समझ में आ गया कि लगभग कितने परसेंटाइल तुम्हारे बन सकते हैं। देखो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा यार, देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कहूंगा मैं कि बिल्कुल रेट है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली जो भी तुम्हारा बाद में जब तुम्हें देखने को मिलेगा लगभग उसी के आसपास होगा। सो तुम इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी किसी को लग रहा है कि यार नहीं हमने ज्यादा मार्क्स काउंट कर लिया या कम मार्क्स काउंट किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो, ठीक है। सो सारी चीज तुम्हें समझ में आ गया है। अब जो है वो बच्चों का एग्जाम जो है 25th को है, 25 जुलाई को एग्जाम है, 25 जुलाई को दोनों शिफ्ट है, मॉर्निंग का भी शिफ्ट है और इवनिंग का भी शिफ्ट है। तो मैं इस चैनल पर जैसे एग्जाम होते ही जो है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम आया था, एग्जाम ओवरव्यू हम तुम्हें बता देंगे। सो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुम्हें इसी टाइप की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप बात करें कि किस टाइप का पेपर आएगा, तो जैसा कि अभी इतने बार हमने देख लिया, चाहे फरवरी अटैम्प, मार्च अटैम्प या फिर जो अभी का जो हमारा जुलाई का अटैम्प्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड अटैम्प्ट हो रहा है, उसमें भी जो हमने बात की 20 जुलाई को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था, 22 जुलाई को जो सिर्फ सेकंड शिफ्ट हुआ था, और फिर जाकर अगर 25 जुलाई की बात करें तो इस टाइप के तुम्हारे पेपर बनने के आएगा जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा। सो अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री सबसे ईजी रहेगा। केमिस्ट्री के लिए अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो केमिस्ट्री जो है वो तुम एनसीईआरटी कर लो, ऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी ये सारी चीजें पढ़ लो, इनफ होगा, तुम्हारा एनसीईआरटी बेसिक पेपर आता है, ठीक है। सो तुम्हें डिफिकल्टी नहीं होगा अगर तुमने एनसीईआरटी को अच्छे से कंसेप्ट के साथ कर रखा है और उसकी वजह से तुमने पीओआई की लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखा है, तो तुम्हारे केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएगा। फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल है। फिजिक्स के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें क्या करना है तो सारे फॉर्मुला रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हारे डेरिवेशन जो भी तुमने क्लास 12th में किया उसको एक बार देख लो कि अगर बीच में से कोई कुछ क्वेश्चन आ जाए कि इस टाइप पे क्या था वो चीज तुम बता सको, और पीओआई क्यों लगाओ, ठीक है। बाकी तुमने काफी चीजें कही रखा हुआ। मैथमेटिक्स का पेपर तुम्हें जो है वो डिफिकल्टी देखने को मिल सकता है। देखो एक और भी चीज है, अपने दिमाग में ये मत बनाना कि डिफिकल्ट ही आएगा, ठीक है ना। पेपर के टाइम पे अब तुम में से काफी बच्चे ये सोचेंगे भैया पेपर तो ये भाई डिफिकल्ट आएगा मैथ्स का, तो हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स को पहले छुएंगे नहीं, पहले केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, मैथ के बाद में देखेंगे, और हो सकता है इसकी वजह से तुम्हारा टाइम जो है वो लॉस हो जाए और बाद में तुम्हें पता चला कि भाई इस शिफ्ट में जो है मैथमेटिक्स का ही पेपर सबसे इजी आ गया था। सो इसीलिए आगे एक बार में ना तुम्हें पूरा पेपर देख लेना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पे चले जाओ, देख लो कि क्या पता इस शिफ्ट में तुम्हारा मैथमेटिक्स ही इजी आ जाए, ठीक है ना। सो एक बार जरूर देख लेना, ऐसा नहीं दिमाग में बना के चलना, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है हो सकता है वही चीज तुम्हें इसमें भी देखने को मिले कि मैथमेटिक्स जो है तुम्हें थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल का देखने को मिलेगा। एक और भी चीज है यार, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट लेवल हम कह रहे हैं तो यार पेपर बन नहीं रहे, क्वेश्चन बच्चों से बन नहीं रहे, काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है कि जो क्वेश्चन इजी भी है वो भी लेंथी था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इस टाइप से क्योंकि उसमें जो है वो मल्टीपल कांसेप्ट लग रहा था, ठीक है ना, कि दो तीन तुमने अगर फॉर्मूला अगर तुमने पढ़ा है, दो तीन जो है वो कांसेप्ट तुमने मतलब क्लियर कर रखा है, दो तीन फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो दो तीनों जो है वो फॉर्मूला जो है एक ही चीज में लग जा रहा है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो भी तुम्हारी जो थ्योरी जो है वो एक ही क्वेश्चन लग रहा है, इसकी वजह से डिफिकल्ट हो रहा है। तो सारी बात समझ में आ ही गया है, आगे भी तुम्हें चैनल पे इससे रिलेटेड जो जी से रिलेटेड मिलेगी। सो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, अपने फ्रेंड ये वीडियो शेयर करना ताकि तुम्हारे फ्रेंड को भी पता चल सके कि कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बन रहा है। और फिर ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।